तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर सुरक्षा बलों और जवानों के बीच नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की सूचना भी थी। पुलिस ने फिलहाल 28 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए। मारे गए नक्सलियों की संख्या 30 के करीब बताई जा रही है। इस मुठभेड़ की सबसे बड़ी बात यह रही कि जवानों ने नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 को पूरी तरह से खत्म कर दिया। साथ ही नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 का कमांडर कमलेश भी इस मुठभेड़ में मारा गया है। मुठभेड़ वाली जगह में जवानों को नक्सलियों के भारी संख्या में हथियार भी मिले, जिसमें कि ऑटोमेटिक हथियार भी शामिल है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले से जवानों को नक्सल ऑपरेशन पर भेजा गया था। वहीं जवानों की इस कामयाबी पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें बधाई भी दी है। और चलिए इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के लिए जीवानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता है वो। जीवानंद आपसे जान लेते हैं कि कल मुठभेड़ हुआ जिसमें 30 नक्सली ढेर हो गए, क्या अभी भी मूवमेंट वहां पर किसी तरह की देखी जा रही है? जी देखिए, निश्चित बता देना चाहूंगा, इस समय INS 24/7 की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो में मौजूद है। और सुबह से ही जब INS 24/7 की टीम का जो पैदल चला, अब इस समय हम बारसूर और जो तुलतुली जो गांव है वहां के महज 2 किलोमीटर दूरी में हम मौजूद है। और यहां का जो अपडेट हमारे सामने आ रही है कि जवान अभी भी मोर्चे में संभाला हुआ है। जितने भी जो नक्सली को मार गिरा है सबका डेड बॉडी को एकत्रित कर रहा है, और करीबन 12 बजे के बाद जो डेड बॉडी है वो जो शव है वो मुख्यालय में पहुंच सकता है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। और जिस प्रकार की लाल आतंक पर जो सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा प्रहार है, वो कहीं ना कहीं ये जवानों की मनोबल बढ़ा देने वाले हमारे बहादुर जवानों ने जो कर दिखाया है, वाकई में काबिले तारीफ है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, मेरे बाई तरफ जहाँ नारायणपुर जिला पड़ता है, और इधर मेरे दाहिने तरफ जो है वो दंतेवाड़ा, ये जो दोनों सरहद के बीच में जो मुठभेड़ हुआ है, ये दंतेवाड़ा जिला से करीब 50 किलोमीटर दूर जहाँ पे हांदावाड़ा जलप्रपात के जो विख्यात है उसके ऊपर जो थुलतुली गांव है उस गांव में, और यहाँ जोरछा के नजदीक में तेंदुर जो गांव है, उस दोनों गांव के बीच में जो पहाड़ी है उस पहाड़ी में यह बड़ी मुठभेड़ हुआ है। पुलिस को जो सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार, जो उनका पता चला कि कोई बड़े नक्सली लीडर यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जो क्षेत्र है ये अबुझमारगढ़ कहा जाता है, आज तक इस अबुझमार क्षेत्र में कभी भी पुलिस का नहीं आ सका, लेकिन पहली बार नक्सलियों के गढ़ में घुसकर इतनी बड़ी कामयाबी मिली जहां पे 32 नक्सली मारे जाने की खबर है। वैसे तो 28 नक्सली के शव को बरामद किया गया है, बाकी अभी सर्चिंग ऑपरेशन है। बैकअप टीम के लिए यहां के जो CRPF जवान है, कोबरा बटालियन है, वो चारों तरफ से घेर लिया है। और जहां STF और DRG जो शुरू से मोर्चे में मौजूद है, और थोड़ी देर बाद ही जब INS 24 करीबन 2 पहाड़ी चढ़ने के बाद उस घटनास्थल पर पहुंचेंगे, और वहां के एक घटना के जिस प्रकार घटना हुआ है, जिस प्रकार मुठभेड़ हुआ है, एक एक तस्वीर जनता तक हम पहुंचाएंगे। जी तो बड़ी सुरक्षा, बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा जवानों को मिली है। 30 नक्सली यहां पर ढेर हो गए हैं। आपसे जान लेते हैं कि क्या अभी और भी नक्सलियों की मारे जाने की पुष्टि हो सकती है, कोई अपडेट मिल सकता है इस मामले पर? जी देखिए, जो सूत्र से मिली जो जानकारी के अनुसार करीबन 1000 से अधिक जवान 2 दिन पहले सर्चिंग में निकला हुआ था, और रुक रुक कर कई जगह पे मुठभेड़ हुआ है, और मुठभेड़ के बाद अभी सर्चिंग बाकी है। कल शाम तक जो सर्चिंग हुआ जिसमें 28 डेड जो शव है नक्सलियों के वो बरामद किया गया है। वैसे 32 का अपडेट हमारे सामने आ रहे हैं, और नक्सली के जो मारे जाने की संख्या और भी बढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो DRG और STF के जवान है वो अभी भी मोर्चे संभाले हुए हैं, चारों तरफ सर्चिंग किया जा रहा है। उनकी जो बेस कैंप है उसको ध्वस्त किया गया है, क्या क्या सामान वहां बरामद किया गया सबकी नष्ट किया जा रहा है। लेकिन जो सूचना आ रही है कि करीबन 40 से अधिक नक्सली मारे जाने की खबर आ रही है। जी
बड़ी कामयाबी मिली है जवानों को। यहां पर 30 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है। सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है, जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया है। तो ग्राउंड जीरो से आईनिश की संवाददाता टीम वहां पर जुटी हुई है, हर एक अपडेट आईनिश के माध्यम से मुठभेड़ से जुड़ी आपसे बता रहे हैं। देवानंद, आपसे ये भी जान लेते हैं कि यहां पर जो मुठभेड़ हुई, यहां पर कई हथियार भी बरामद किए गए, पुलिस को कई हथियार, ऑटोमेटिक हथियार यहां पर मिले। क्या कुछ जानकारी है इस पर, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, अब तक जब मुठभेड़ हुआ, उस मुठभेड़ में छोटे छोटे हथियार बरामद समाचार सामने आया, लेकिन आज की जो मुठभेड़ हुई, इस मुठभेड़ में LMG यानी लाइट मशीन गन LMG बरामद किया गया है, AK-47 बरामद किया गया है, SLR बरामद किया गया है, इंसास बरामद किया है, ये जो जो स्वचालित हथियार है उन्हें बरामद किया गया है। और ये भी बता देना चाहूंगा, जो कंपनी नंबर 16 है, यानी जो उनका लड़ाकू दस्ते है, उस दस्ते में LMG रहता है, यानी लाइट मशीन गन, करीबन एक मैगजीन में 30 जो उनके बुलेट होती है, और करीबन एक मिनट 30 सेकंड के अंदर वो 30 गोली चलती है। तो कहीं ना कहीं जो LMG का जो मशीन गन मिलना पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। और AK-47 जो भी स्वचालित हथियार जो बड़े शीर्ष नेता रखते हैं, तो इसमें इस हथियार मिलना, यानी ये कहा जा सकता है कि जो मार डिवीजन के जो नक्सली है उनकी कहीं ना कहीं खात्मा हो चुका है, जिसमें नीति मंगेश के बड़े बड़े लीडर है, वो जो इस समय अबूझमाड़ में डेरा जमाए हुए थे, आज हमारे जो जवान उसके मान में घुसकर इस प्रकार के उसको मार गिराया कि ये माना जाए कि बस्तर के जो नक्सली का खात्मा कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। जिस प्रकार की केंद्र सरकार ने पहले बताया था कि 2026 तक के नक्सली खात्मा कर दिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं है प्रारंभ हो चुका है। और आज की जो घटना है, क्योंकि अबूझमार क्षेत्र में इस प्रकार की बड़ी घटना होना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी माना जाता है, क्योंकि अबूझमार अब तक के जो अबूझमार क्षेत्र में कोई भी पुलिस फोर्स घुस नहीं पाए थे, लेकिन पहली बार जो हमारे वीर जवानों ने उस मान में घुसा और करीबन 30 नक्सली को मार गिराया है और कई नक्सली घायल होने की समाचार आ रही है, तो यह सबसे बड़ी कामयाबी माना जाता है, क्योंकि लाल आतंक पर प्रहार अब तक का इतना बड़ा हमला हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे जवानों ने जिस प्रकार वीरता से काम किया है, यह उनकी नाज है। और छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ में जो लोगों का सपना है कि बस्तर नक्सल मुक्त होंगे, तो कहीं ना कहीं यह जो बर्दात हुई है, जो घटना हुई है, जो मुठभेड़ हुई है, यह बस्तर के लिए एक खुश खबरी है। जी बिल्कुल, तो वाकई में बेहद ही बड़ी कामयाबी यहां पर जवानों को मिली है। हमारे जवानों ने 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, कई नक्सली इस दौरान घायल भी हुए हैं, आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कल देर रात छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा घायल जवानों से मिलने के लिए राजधानी रायपुर के अस्पताल में भी पहुंचे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो घायल जवान से बातचीत कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए वो देर रात ही हॉस्पिटल पहुंचे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा जवानों से मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए कल देर रात हॉस्पिटल पहुंचे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, राजधानी रायपुर के हॉस्पिटल में घायल जवान भर्ती हैं, उसे मिलने के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा कल देर रात अस्पताल पहुंचे। तस्वीरें भी सामने आई हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम घायल जवानों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ा नक्सली अभियान यहां पर देखा गया, 30 नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया। इस दौरान कई जवान भी हमारे घायल हुए, जिनसे मिलने के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा अस्पताल पहुंचे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर वो घायल जवान से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं।